स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान में। साथियों, मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन अखबार के माध्यम से जो न्यूज़ निकल के आती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। इसी के क्रम में आज की बहुत ही बड़ी खबर है, इसको आप लोग जानिए और थोड़ा सा समझिए। इसमें चयनित अभ्यर्थियों में जो फर्जी अभ्यर्थी पाए गए हैं उसके साथ साथ और कई मूल बिंदुओं पर बात किया गया है। चलिए, आपके लिए यह जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले, आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, बिहार शिक्षक नियोजन 40 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। आप देख रहे हैं, सबसे अधिक फर्जीवाड़ा चंडी में 15 अभ्यर्थियों की टीटी प्रमाण पत्र मिले गलत। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल अभ्यर्थी में दूसरे नंबर पर रहा एकंगसराय। चलिए, न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आप लोग बने रहे वीडियो में। फर्जीवाड़ा के आधार पर कुछ लोगों ने अपना चयन शिक्षक नियोजन में करवा लिया। अब उनके प्रमाण पत्र की जांच के बाद जाली होने का कारण उन्हें नियोजन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा होना भी है क्योंकि आदेश पहले भी दिया गया था। विभाग ने 2 दिनों के अंदर जाँच कर जिले के 40 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली पाए। विभाग उन शबों का नियोजन रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। गड़बड़ी के मामले में पहले नंबर पर चंडी प्रखंड है, जिसमें कुल 15 अभ्यर्थी के टीटी प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। उसी प्रकार डीओ के केशव ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल अभ्यर्थियों में दूसरे नंबर पर एकंगसराय है। यहाँ 9 चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, जबकि बिंद के एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह पर चयन कर लिया गया है। विभाग ने जांच के बाद जाली अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभी जांच का काम जारी है और देखिए, जैसे जैसे जांच बढ़ती जाती है, जांच की संख्या, वैसे वैसे फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, खासकर TET, BTET और CTET, मतलब शैक्षणिक प्रमाण पत्र, गलत मिल रहे हैं। आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पढ़ लीजिए, फर्जी अभ्यर्थी का लिस्ट सारा दिया गया है, मतलब कौन कौन अभ्यर्थी फर्जी अभी तक निकले हैं। आप देख रहे हैं, जिला कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी से यह न्यूज़ है ना प्रकाशित किया गया है। चलिए आगे वीडियो में, अगर अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।